अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हामिद ब्लॉगर के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी टिप देने जा रहा हूँ ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने की, और ये जो टिप है ये लाइव प्रूफ के साथ होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास एक डोमेन है, एक वेबसाइट जो मैंने स्टार्ट की है वो अराउंड 2 वीक्स ओल्ड है, मैक्सिमम 2 वीक्स ओल्ड है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है, और उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत आ रही है। वो तो अलहदा बात है कि ये मैंने एक स्ट्रेटजी यूज़ की है तो उसके तहत आ रही है, लेकिन मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने इस ट्रैफिक को बूस्ट अप किया और किस तरह से जो है आप भी बूस्ट कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में आपको बता रहा हूँ लास्ट 3 मंथ का डेटा है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर लास्ट 28 डेज में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मतलब कि 2 वीक्स ओल्ड है, क्योंकि वही डेटा शो कर रहा है, इसलिए आपको ये प्रूफ में मैंने दिखा दिया कि लास्ट 28 डेज में भी वही डेटा शो कर रहा है। लास्ट 7 डेज़ में देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कम शो करेगा, क्योंकि थोड़ी सी देखें 2 वीक्स भी जो है ना ये मैक्सिमम ओल्ड नहीं है, ये तकरीबन होगी 1.5 वीक्स, मतलब इस तरह से कि 10 दिन ओल्ड है ये वेबसाइट। बहरहाल अभी यहाँ पर हम आते हैं बिंग में। देखें, मैं आपको हमेशा से बिंग के ऊपर जोर देता हूँ, ये देखें, ये इस वेबसाइट के ऊपर 2 वीक्स में ट्रैफिक आई है, और देखें गूगल में कितनी कम है ट्रैफिक, कम नहीं है, अच्छी ट्रैफिक है न्यू वेबसाइट के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर देखें गूगल में ट्रैफिक जो है 214 है, और ये जो आज वाली है ये अपलोड भी नहीं हुई, अभी अपडेट भी नहीं हुई, मतलब है कि ये यहाँ पर हमारे पास 22 डेट तक अपडेट हुई है, हालांकि आज 24 है, ये 23 मेरे पास थोड़ी डेट जो है पीछे आती है, तो 24 डेट है, तो ये अपडेट भी नहीं हुई अभी, ये और बढ़ेगी, मतलब 250 तक ये जा सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ये ट्रैफिक हमारी 21 डेट तक अपडेट है, ये आगे भी जाएगी, लाइक आज 3 दिन ऊपर हो गए हैं 24 डेट तक, तो 3 दिन की और अपलोड होगी तो ये 353-9400 तक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखें यहाँ पर बिंग में वेबसाइट रैंक करने लग गई है और गूगल में रैंक करने की कोशिश कर रही है, फिर भी इसके ऊपर ट्रैफिक अच्छी आ रही है। अब आपको जो है मैं हमेशा से बिंग के ऊपर फोकस करने को कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो भी नई वेबसाइट होती है वो गूगल में रैंक नहीं होती, गूगल में जो है उसको रैंक होने के लिए, जो सीरियस बात बताऊँ, अगर बहुत हाई कंपटीशन है या बहुत लो कंपटीशन भी नीच है, तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 4-1 महीने या 3 महीने मिनिमम लग सकते हैं, तो सॉरी मैक्सिमम लग सकते हैं, मतलब है कि गूगल सैंडबॉक्स का आ जाता है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं SEO की, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर बिंग में आपकी वेबसाइट सबमिट है तो आपको इनिशियल ट्रैफिक डेली की मिलती रहेगी, जिससे आप लोग मोटिवेट भी होते रहेंगे, जिसको देख के आपको काम करना भी बंद नहीं करेंगे, और कुछ ना कुछ अर्निंग भी देती रहेगी। मैं आपको यहाँ पर अभी एड्स टेरा का बता नहीं सकता, लेकिन मैंने जो है इसके ऊपर एड्स टेरा के ऊपर ये है कि इसके ऊपर मैं अर्न कर रहा हूँ, मतलब 0.30 सेंट 0.50 सेंट डेली के, तो ये है कि इतनी सी ट्रैफिक के ऊपर भी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, और वेबसाइट को जो है बूस्ट करने में भी हेल्प करेगी, आप डेली पोस्टें करते रहेंगे और आपकी ट्रैफिक और अप जाती रहेगी। तो किस तरह से बिंग में अपनी वेबसाइट को ऐड करना है ये ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं, और इस तरह आप लोगों को मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिससे आपको ट्रैफिक के रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी कि आप लोग ट्रैफिक इंक्रीज़ किस तरह कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग लाजमी से ट्राई करें। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगी ब्लॉगिंग की फील्ड में ग्रो करने के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।